बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आपको आना, मुझे बहुत अच्छा लगा है सम्मान हो के आज। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ द वुमेंस। तो हम जो करना चाहते हैं वो कर सकती हैं, हम में खुद एक सक्षम है, जो हम करती हैं वो कोई कर नहीं सकता। तो हार हमें माननी नहीं है, हमें लड़ना है और हमें कुछ कर दिखाना है। थैंक यू सो मच मैम, आप कहेंगी मैम। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर औरत हर बच्ची को पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट होना है और किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि जो औरत अपने बल पे खुद खड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, वो बहुत आगे बढ़ती है। यू हैव टू बी, एवरी वुमेन हैज टू बी इंडिपेंडेंट। शुक्रिया। थैंक यू मैम। इस फिल्म के बारे में और मेकर कुमार राज जी के बारे में इतना कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग तजुर्बा किया है, एक्सपेरिमेंट किया है स्क्रीन प्ले में, जहाँ एक तरफ ये नाटक के तौर पे लिखा जा रहा है और दूसरी तरफ वो पूरा इनैक्ट किया जा रहा है। सो वो दोनों जो मीडियम है, थिएटर और एक्चुअल रियल जो ऑकरेंसेस हैं, उन दोनों का संगम एक बहुत इंटरेस्टिंग तजुर्बा होगा फिल्म देखने वालों के लिए। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, इतना एक वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ ए बोल्ड काइंड ऑफ अप्रोच टू सिनेमा ने। अमीना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, प्लीज डू वॉच। देखिए, सबसे पहले तो वुमेंस डे पे मैं सारी महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आज वर्ल्ड वुमेन डे। दूसरी बात ये कि अमीना का मैंने ट्रेलर देखा, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। हमारे राज्य जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया है और जितना पोर्शन मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर जो है ऑल ओवर कंट्री सबों को पसंद आएगी। इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी मंथन, मंथनी, वो भी इन्होंने बड़ी अच्छी बनाई थी। और ये जो है एक ऐसा पकड़ के रखती है ये जो फिल्म है कि आप चेयर से उठोगे नहीं कि आने वाला जो नेक्स्ट है वो क्या होगा। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आप सबकी मदद चाहिए, दुआएं चाहिए, और आप सब लोग जो ये फिल्म मुझे लगता है ईद के मौके पर रिलीज होगी, तो आप सब लोग इस फिल्म को देखने जाए और इस फिल्म को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत मुश्किल से बनती है। डायरेक्टर से इसमें बड़े कम लोग हैं जो ऐसा रिस्क लेते हैं ऐसी ऐसी स्टोरी पर ऐसी फिल्म बनने की। ये पिक्चर का सक्सेस आप लोग के हाथ में, यस, द प्रेस एंड द पब्लिसिटी इज गोइंग टू मेक दिस मूवी वन। हमारी जो पिक्चर है, एक पिक्चर थी हॉलीवुड में जिसका नाम था बर्डमैन, उसमें कुछ टाइम बीच बीच में प्ले पार्ट आता है, तो हमारे पिक्चर में भी कुछ छोटा फल कुछ टाइम के लिए प्ले पार्ट आता है जिसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है। वो बहुत बड़ा पावरफुल प्ले है जो बहुत सक्सेसफुल है। तो आपको ये फर्स्ट टाइम नरेशन पिक्चर का टोटली डिफरेंट है, बर्डमैन जिसको ऑस्कर मिला था उसकी तरह। सो बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम यू हैव अ नरेशन विच इज़ टोटली डिफरेंट एंड यू आर गोइंग टू लव इट। अभी जी, आपका रोल किस तरह का है? नहीं, इस फिल्म में मैं रोल नहीं किया हूँ, ये हमारे मैं हमारे सपोर्टर पिक्चर के पूरा सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से अभी तक। ये दो लड़कियों की कहानी है, एक अमीना की और एक मीना की। 30 साल पहले अमीना का बाप उसको बेचता है और वो रेप होती है और वो सुसाइड कमिट करती है। फिर आज की जो मीना है वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में आती है तो वो 3 खून करती है। शॉर्ट में स्टोरी मैंने बता दी, बाकी तो देखिए, पिक्चर देखिए, मजा आएगा। और वो भी कभी खून करना शुरू करती है तो एक खून इंडिया में करती है तो एक भाग जाता है पेरिस में कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो वहाँ पे जाके वो मारती है। दूसरा भाग जाता है अफ्रीका में तो वहाँ जाके मारती है, वापस आती है, अरेस्ट हो जाती है, 10 मिनट अब कोर्ट केस है, उसके बाद आप पिक्चर में ही देखिए क्या होता है। आर्टिस्ट कौन कौन है? रेखा जी है और कौन कौन? रेखा है, अनंत महादेवन है। इसका इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस्माइल दरबार, जो हिंदुस्तान के सबसे जाने हुए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और वॉइस ओवर में रजा मुराद जी है, और गानों में जावेद अली है, और मेरे को भी एक छोटा किरदार मैंने किया है पिक्चर में सुभाष गाय की तरह 25 सेकंड के लिए, वो भी आप देख सकते हैं।
कितने गाने इसमें? पांच गाने हैं इसमें, पांच गाने। अच्छा, एक रोमांटिक है, एक आइटम सॉन्ग है, एक अल्लाह को याद करने वाला है, एक कवाली है इसी प्रकार, और एक टाइटल सॉन्ग है। सर आपको कौन सी पसंद आई? कौन सी पसंद आई? कौन सा गाना पसंद आया? मुझे सब गाने पसंद है और सबसे अच्छा गाना है इसमें आइटम सॉन्ग है। कुमार सर, आज कुछ लॉन्च हुआ है, आगे क्या प्लान है आपके? अभी नेक्स्ट प्लान है अपना प्रोमो लॉन्च, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट इज म्यूजिक लॉन्च, एंड ईद के दिन पे ऑन द 11th ऑफ अप्रैल वी हैव थ्री मूवीज विच आर रिलीजिंग। बहुत अच्छी मूवीज रिलीज हो रही है, एक है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक है मैदान, और तीसरी हमारी पिक्चर है अमीन। आज रेखा जी अमेरिका में है और हमारा वहाँ पे कुछ ही दिनों में प्रीमियर होने वाला है, मुझे टाइम मिला तो मैं भी जाऊँगा। तो हमारा एक प्रीमियर एलए में है, एक प्रीमियर कनाडा में है, एक प्रीमियर दुबई में है, एक प्रीमियर जब भी पिक्चर रिलीज होती है तो बॉम्बे में। क्या ये पिक्चर रिवेंज रेप के ऊपर रिवेंज है, एक लड़की 30 साल पहले सुसाइड करती है और आज की लड़की मर्डर करती है, और क्यों करती है, कैसे करती है, और कैसे कोर्ट से बाइज्जत बड़ी हो गई हो। डबल रोल है, डबल रोल नहीं, जो 30 साल पहले की लड़की है उसको दिखाया गया है प्ले पार्ट, प्ले करती है ये आज की मीना, वो प्ले करती है तो उस किरदार को बहुत ठीक से जानती है, और जब भी सेम सिचुएशन सेम हालत उसके साथ होती है तो क्या बोलती है, मैं अमीना नहीं हूँ, मैं आज की मीना हूँ, और उसका एक्शन अलग है। इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ अमीना। आप देखोगे तो हैदराबाद की एक लड़की है अमीना, बिल्कुल उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा, पोस्टर यहाँ पे किया। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, इसके राइटर उर्दू के बहुत बड़े राइटर है अफ्ताब हसनैन, आप उनका देखोगे तो उन्होंने ये प्ले बनाया था जिसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है। अमीना बिकती का प्ले का हम लोग ने राइट्स लेके ये पिक्चर बनाई है। कुमार सर, जिस तरह महिला दिवस है, महिला को स्टोरी है, यस, क्या आप संदेश देना चाहते हैं महिलाओं के लिए? आप संदेश देना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द मेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द मेन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वुमन, एंड हु विल एजुकेट द मेन, वुमन विल एजुकेट द मेन, एंड दिस मूवी इज गोइंग टू एजुकेट द मेन। और हमारे मित्र है, और जैसे अफ्रीका में जो शूटिंग हो रही थी, पूरी अफ्रीका में शूट इन्होंने कराई है, और आपको बता रहा हूँ रेखा राणा शेरों के साथ चली है पिक्चर में। उसमें एक डायलॉग है कि मैं जब छोटी थी तो कॉकरोच से डरती थी, आज ये सब किस्से होने के बाद मैं शेरों के साथ चल सकती हूँ। क्या बात है। और एक और चीज बता रहा हूँ, जो हमारा कैमरामैन था वो डर गया, बोला शेरों के साथ नहीं चलूंगा। अरे इतना सब बंदोबस्त करने के बाद गए हैं, वो बोल रहा है शेरों के साथ नहीं चलूंगा, तो मैंने कैमरा पकड़ी और उल्टा चला हूँ वो शेर के सामने, और वो रेखा शेरों के साथ चल रही है। क्या बात है। एक और इंसिडेंट बता रहा हूँ, उसके हाथ में डंडा दिया, मेरे हाथ में भी डंडा दिया, रेखा राणा को बोला गया कि ये डंडा तुमने छोड़ दिया तो शेर समझेगा आज ये मेरा खाना है। ओ, ओ, डर इस राणा क्योंकि वो उसको ट्रेन किया जाता है, जिसके हाथ में डंडा है उसको अटैक नहीं करता। अफ्रीका में। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।